नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्य सर्वोपप्लव रहिता प्रज्ञान घन प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिंच तत्पुत्र पराशरंच व्यासं शुकं गौरपदं महांतं गोविंद योगींद्रं अथास्य शिष्यं श्री शंकराचार्यं अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तंत्रोटिकं वाल्मीकिकारं अन्यान् अस्मद्गुरून् संततम् आनतोऽस्मि। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभाने निराचष्टे तनोति शुभ संततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मंगलं परम् अतिकल्याणरूपत्वान् नित्यकल्याणसंश्रयात् स्मृतृणां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मंगलं विदु। ओंकारश्चाथ शब्दस्य द्वयेतौ ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् मांगलिकौ उभौ ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। असरण शरण कारण करुण करुणा वरुणालय कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वाधार सर्वाधिष्ठान भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा, हे भगवान मेरे परम कल्याण का उपाय बतावें, मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ, मेरा तन मन बुद्धि प्राण आपके चरणों में अर्पण है। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन सावधान मन से श्रवण करो। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवा यज्ञात भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम्।
तस्मात् सर्वगतम् ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम्। हे अर्जुन, जितने चराचर जगत में सभी प्राणी हैं, जितने भूत प्राणी हैं, ये सब अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्नाद्येव खल्वमानि भूतानि जायन्ते, अन्नेन जातानि जीवन्ति, अन्नम प्रयन्ति अविषम विशन्ति। अन्न से सब भूत प्राणी उत्पन्न होते हैं, अन्न को खा करके ही जीते हैं, फिर ये अन्न रूप पृथ्वी है, इसी में फिर लीन हो जाते हैं। इसलिए वेद में लिखा है कि अन्नम बहुकुर्यात्, ये शरीर के जीवन के लिए जब अन्न से ये उत्पन्न हुआ है, अन्न का कीड़ा है, तो अन्न से ही इसका जीवन है। तो संसार में सबसे कीमती चीज अन्न है, अन्न से कीमती कोई चीज नहीं है, क्योंकि अन्न के बिना तो प्राण नहीं रहेंगे। और बाकी कोई स्त्री है, पुत्र है, धन है, राज्य है, ये नहीं रहे तो भी प्राण बने रहेंगे, पर अन्न के बिना तो नहीं जी सकता है, प्राण ही चले जाएंगे। इसलिए कहते हैं अन्नम बहुकुर्यात्, रोटी कपड़ा मकान ये सभी आवश्यक हैं, परंतु रोटी कपड़ा मकान में भी परम आवश्यक रोटी है, माने अन्न है। एक बार वस्त्र के बिना, मकान के बिना काम चल सकता है, पर रोटी के बिना तो काम नहीं चल सकता। इसलिए अन्नम बहुकुर्यात्, अन्न बहुत पैदा करना चाहिए। सबसे बड़ा धन संसार में जीवन के लिए अन्न है। और कोई सोना चांदी आदि इतना बड़ा धन नहीं है। सोना चांदी की कीमत कुछ भी नहीं है। जैसे पर्वत है, पत्थर है, माटी है, ढेला है, ऐसे ही माटी का विकार आकार एक पीले रंग का, वो भी सोना है। माटी से भिन्न सोना चांदी आदि कुछ नहीं। तो उनकी कीमत क्यों है इतनी ज्यादा? कहा वो आदान प्रदान के काम में, व्यवहार में सरकार ने मान लिया, नहीं तो कोई कीमत नहीं। सोने का पर्वत खड़ा हो, पर आदान प्रदान के काम में ना आता हो, तो जैसे पत्थर का पहाड़ तैसे सोने का पहाड़ पड़ा रहेगा, कोई नहीं पूछे, उसकी कोई कीमत नहीं। तो कीमत तो इसलिए है कि उसके द्वारा अन्य वस्त्र आदि मिल जाएंगे, वो आदान प्रदान के ही काम में आता है, और कोई खाने पीने के काम में नहीं आता है। जो उसे सोने चांदी से कोई प्यास बुझ सके और या भूख मिट सके, तो जितना रुपया पैसा है वो आदान प्रदान के लिए ही है। भाई ये चीज दे दो तो तुमको अन्न मिल जाएगा इतना, और वो दूसरी चीज खरीदना हो तो उसी से दूसरी चीज मिल जाएगी। तो केवल इसी काम में ये धन आता है और कोई काम में नहीं आता है। यदि इस काम में ना हुए तो उसकी कोई कीमत नहीं है। इसलिए अन्नम बहुकुर्यात्, अन्न बहुत करना चाहिए, पैदा करना चाहिए। अन्नम न निंदयात, अन्न की कभी निंदा नहीं करना चाहिए। अन्नम माँ पर चक्षित, अन्न जहाँ तहाँ नाली आजकों में गंदी जगह में, उसका अनादर नहीं करना चाहिए, ऐसी जगह फेंकना नहीं चाहिए। ऐसी वेदों में अन्न की महिमा लिखी हुई है। इसलिए अन्न ही कीमती चीज है।
इसलिए जो अन्न पैदा करने वाले मेहनती किसान लोग हैं, सब कोई तो अन्न नहीं पैदा कर पाता है। शहर में रहने वाले, नौकरी करने वाले, व्यापार करने वाले, ये लोग तो अन्न पैदा नहीं करते हैं। एक दाना अन्न का शहर में पैदा नहीं होता है, और गांव से देहातों से ज़्यादा नगर में शहर में लोग रहते हैं। मेहनती किसान है जो रात दिन मेहनत करता है, खेती में हल चलाता है, गेहूं, जौ, चना आदि अन्न बोता है, उसको सींचता है, खाद पानी देता है और चारों तरफ से उसकी रक्षा करता है, वो रात दिन नहीं देखता है। ठंडी के समय पर रात में पानी मिल रहा है तो रात में लगा रहा है, न गर्मी देखता है, धूप में काम कर रहा है। कितना मेहनती है किसान, ऐसा मेहनती कोई भी देखने में नहीं आता है। उसकी मेहनत का ये फल है कि वो किसान अन्न पैदा करके आप खाता है, अपने बाल बच्चों को खिलाता है। और ये शहर के जो करोड़ों लोग हैं, इनको भी कुछ उचित मूल्य लेकर के और इनको भी देता है। यदि किसान इनको अन्न न देवे, महलों में रहने वाले, पक्के मकानों में रहने वाले, चाहे सोने चांदी के महलों में रहने वाले, यदि किसान अन्न ना देवे तो इनका जीवन कैसे रहे? क्या सोने के महलों से भूख मिट जाएगी? वो तो सोना चांदी के महल देखने के हैं, आंखों से देख लो कि सुनहले पेड़े पीले रंग के ये हमारे मकान बने हुए हैं। वो माटी का मकान हो, चाहे ईटा पत्थर का, चाहे झोपड़ी का, वो तो रहने के काम के गुजर के लिए है, माने धूप से, हवा से और पानी बरसात से, इसके रक्षा के लिए ही हुआ करता है मकान, और तो कोई उसका प्रयोजन ही नहीं, चाहे सोने का हो चाहे माटी का हो। तो इनसे कुछ भूख प्यास नहीं मिटती। तो ये किसान यदि ना देवे पैदा करके इन सब लोगों को अन्न, तो ये सब मरे मराए, क्योंकि इनके यहाँ तो एक दाना पैदा नहीं होता है। पक्के मकान हैं, रास्ता है, सड़कें, वो भी पक्की हैं, कोई व्यापारी हैं, कोई नौकरी करने वाले लोग हैं, कोई राष्ट्रपति हैं, कोई प्रधानमंत्री हैं, कोई सिपाही हैं। अब एक दाना अन्न का ये पैदा नहीं करते, पर खाने को तो सबको चाहिए ना, खाए बिना तो एक दिन जी नहीं चलेगा। तो धन्य है ये किसान गांव में रहने वाले, जो रात दिन मेहनत करके अन्न पैदा करते हैं, आप खाते हैं, और ये लाखों करोड़ों लोगों को शहर में भी दे आते हैं, उचित मूल्य ले करके दे आते हैं। तो इनका भी जीवन चलता है। इसलिए शास्त्र के अनुसार अन्न की कीमत ज़्यादा है। सरकार को चाहिए कि ज़्यादा अन्न पैदा करने वाले जो ये किसान लोग हैं, अधिक से अधिक सहयोग करके ज़्यादा अन्न की उपजाऊ उपज करना चाहिए, जिससे प्रजा सुखी और शांत रहे। क्योंकि प्रजा का सुख अन्न में है, अन्न के बिना सब दुखी ही मर जाएंगे। कल बारह बार दुकाल पड़े और बिन अन्न दुखी सब लोग मरे, एक साल वर्षा न हो तो अन्न न पैदा हो तो सब दुखी मर जाएंगे। कथा है, कोई राजा के राज्य में एक साल पानी नहीं बरसा तो सब भूखे मरने लग गए। राजा के यहाँ भी अन्न नहीं है,
क्योंकि राजा के यहाँ कोई को खेती किसानी थोड़ी होती है, तो उनके भी रानी राजा राजकुमार राजकुमारी है वो भी सब भूखे मरने लगे। अब अन्न के बिना जीवन कैसे चले। तो एक बड़ा किसान था, वो कई साल का अन्न, बड़ी ज़्यादा लंबी किसानी थी उसकी, तो कई साल का अन्न उसने अपने घर में जमा कर रखा था किसानी में पैदा करके मेहनत करके। तब जब अकाल पड़ा तो राजा ने कहा मंत्री से कि मंत्री अन्न का पैदा अन्न का पता लगाओ, नहीं तो सब भूखे मर जाएंगे हमारे सब परिवार। और देखो जितनी जिस कीमत में मिले, एक किलो अन्न की कीमत दसमन सोना चाहे लग जाए, दसमन सोना दो और एक किलो अन्न खरीद करके ले आओ, क्योंकि सोने चांदी के तो हमारे यहाँ कमी है नहीं राजमहलों में, ये तो सब भरे हीरा लाल जवाहरात मोती माला, इनसे क्या होता है, ये भी तो देखने की चीजें हैं, इनसे तो भूख प्यास मिटती नहीं है। मंत्री गया पता लगाने के लिए, तो पता लगा कि अमुक किसान के पास में अन्न है और वो गरीब लोगों के को मुफ्त में बांट रहा है, सबको दे रहा है अपने सभी भाई बंधुओं को। वो कहता है कि भैया आप सब भाई बहन जियोगे तो मैं भी जीवित रहूँगा, और आप बिना अन्न के मर जाओ, मेरे घर अन्न धरा रहे तो मैं ही जी करके क्या करूँगा। सबके साथ सब भाई बहनों के साथ में तो मेरे सब भाई बहन हो, तो सबके साथ में मेरा भी जीवन है, ऐसा उदार चित्त वो था और सबको अपने भाई बहन समझने वाला था। तो मंत्री उस किसान के पास में गया और सब हाल बताया कि राजा के यहाँ अन्न नहीं है, तो राजा रानी राजकुमारियाँ राजकुमार सब भूखे मर रहे हैं। और उन्होंने कहा जिस कीमत में अन्न मिले लाओ तो हमारा जीवन हो, नहीं तो प्राण चले जाएंगे। तो उन्होंने ये कहा है एक किलो अन्न की कीमत चाहे दस मन सोना दो और खरीद करके ले आओ, सैकड़ों मन सोना दे करके और खरीद ले आओ, और मोतियों की हीरा लाल जवाहरातों की माला और ये सब बहुत धन संपत्ति दो और अन्न लाओ। तो किसान मंत्री को हाथ जोड़ा और बड़ा प्रसन्न हुआ कि ये सब प्रजा हम राजा के हैं, वो तो हमारे माता पिता हैं, हम तो अभी सभी भाई बहनों को अन्न बांट रहे हैं, एक पैसा नहीं लेते हैं। अब वो तो हमारे राजा तो माता पिता होता है ना, जैसे माता पिता छोटे परिवार का पालन करते हैं तो राजा सारी प्रजा का पालन पोषण करता है, तो सारी प्रजा को वो माता पिता है, तो हमारे धन्य भाग हैं जो आप उनके लिए अन्न लेने आए हो। मैं स्वयं ही चलूंगा अन्न लेकर के उनके दर्शन करूंगा, मेरा बड़ा हो भाग्य है। सुसज्जनों गाड़ियों में भर करके अन्न और ले करके मंत्री के साथ में गया और राजा का दर्शन किया, प्रणाम किया, स्तुति किया, कहा प्रभो धन्य है मेरे भाग, आपने में मुझे याद किया और मैं आया और आपके मुझको दर्शन मिले। मैं ये अन्न किसके लिए है, माता पिता हो आप हमारे, आप सबके लिए तो है, आप सबका जीवन है तो मेरा भी जीवन है, तो मैं अकेला जी कर क्या करूँ। तो सज्जनों अन्न की देखिए कितनी महिमा है, अन्न से ज्यादा कीमती संसार में कोई चीज नहीं, चाहे त्रिलोकी का राज्य मिल जाए तो त्रिलोकी के राज्य के बिना तो जीवन रह सकता है, पर अन्न के बिना तो जीवन नहीं रह सकता है। इसलिए वेदों में अन्न की महिमा लिखी है और बताया कि अन्नात भवन्ति भूतानि,
वेदों में भी अन्नाध्येय खल्विमानि भूतानि जायन्ते लिखा है, और वेदों का ही अनुवाद ये गीता है। गीता में भगवान लिखते हैं कि अन्नाद भवन्ति भूतानि। अच्छा, सभी भूत प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अर्जुन ने कहा, भगवान फिर अन्न कहाँ से उत्पन्न होता है? तो पर्जन्याद अन्न संभव। पर्जन्य नाम मेघों का है। मेघ आते हैं, वर्षा करते हैं, तो अन्न पैदा होता है। तो पर्जन्य कहाँ से आते हैं, मेघ कहाँ से आते हैं? तो यज्ञात भवति पर्जन्य, यज्ञ करने से मेघ आते हैं। अर्जुन ने कहा, यज्ञ कहाँ से उत्पन्न होता है? यज्ञात भोज पर जो यज्ञ कर्म समुद्भव, यज्ञ के कर्म हैं, तो विधि है, तो यज्ञ कर्मों से उत्पन्न होता है। तो कहा, यज्ञ को बताने वाले जो कर्म हैं वो कहाँ से उत्पन्न होते हैं? तो कहा, कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि, कर्म ब्रह्म से उत्पन्न होते हैं। यहाँ ब्रह्म का अर्थ सच्चिदानंद घन ब्रह्म नहीं है, वेद है, क्योंकि एक शब्द के अनेक अर्थ हुआ करते हैं। इसलिए ब्रह्म के अर्थ भी कई बताए गए हैं। ब्रह्म तत्त्वम तपो वेद ब्रह्मा ब्राह्मणे वच, ये ब्रह्म शब्द का अर्थ। ब्रह्म किसको कहते हैं? कहा, ब्रह्म का मुख्य तत्व, मुख्य अर्थ तो सच्चिदानंद घन ब्रह्म तत्व है। ब्रह्म तत्व दूसरा अर्थ क्या है? कहा, ब्रह्म प्राप्ति के जो साधन हैं उसको भी ब्रह्म नाम से कहा जाता है। तप माने मन सच्चेन्द्रियाणां च संयम परमम तप, मन इंद्रियों का संयम करके, ये तप करके, और ये ब्रह्म प्राप्ति के साधन हैं। विवेक वैराग्य आदि सब साधन हैं, तो इनको भी ब्रह्म नाम से कहा जाता है, जिन साधनों से ब्रह्म पाया जाए। ब्रह्म तत्व और तपो और वेद, वेद को भी ब्रह्म कहते हैं, क्योंकि ब्रह्म भी ब्रह्म, वेद भी ब्रह्म प्राप्ति का साधन है, और ब्रह्म से ही उत्पन्न हुआ है, और ब्रह्म को बताने के लिए ही हुआ है, और दूसरा प्रयोजन वेद का नहीं है। इसलिए वेद का नाम भी ब्रह्म है। और ब्रह्मा ब्राह्मण एव च, और ब्रह्मा जी को भी ब्रह्म नाम से कहा जाता है, और ब्राह्मण को भी ब्रह्म कर्म समुद्भव, स्वाभाविक कर्म बताए गए, तो ब्राह्मण को भी ब्रह्म कहा गया है। तो इस तो ब्रह्मा भी और ब्राह्मण भी वेद पढ़ करके, वेद के द्वारा ब्रह्म को बताने के साधन होते हैं, इसलिए इनको सबको ब्रह्म नाम से कहा जाता है। जैसा प्रसंग होए वैसा अर्थ वहां पर लगा लिया जाता है प्रसंग के अनुसार। जैसे सेंधव नाम नमक का भी है, और सेंधव नाम घोड़े का भी है, तो अब प्रसंग के अनुसार इसका अर्थ लगाया जाएगा। ये भोजन का प्रसंग हो और कोई कहे, कोई राजा कहे सेंधवान है, तो भोजन कर रहे हों उस समय जानना चाहिए कि सेंधव का अर्थ सेंधव नमक है। और गमन का प्रसंग हो, कहीं जाना हो और राजा कहे सेंधवान है, तो वहाँ गमन का प्रसंग है, यहाँ सेंधव का अर्थ घोड़ा करना चाहिए। इसी प्रकार से शास्त्रों में प्रसंग के अनुसार अर्थ लगा लिया जाता है, नहीं तो एक शब्द के अनेक अनेक अर्थ हुआ करते हैं।
तो इस प्रकार से यहाँ ब्रह्म नाम वेद का है। तो ब्रह्म की उत्पत्ति किससे होती है? कहा ब्रह्म अक्षर समुद्भवम। ब्रह्म की उत्पत्ति अक्षर से होती है। अक्षर किसको कहते हैं? न क्षरति इति अक्षरा, जिसका क्षय ना हो, नाश ना हो, उसको अक्षर कहते हैं। माने अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्म तत्व। सच्चिदानंद घन ब्रह्म तत्व से वेद उत्पन्न हुआ और वेद से कर्म उत्पन्न हुआ और कर्म से यज्ञ उत्पन्न हुआ और यज्ञ से मेघ उत्पन्न हुए और मेघों ने पानी बरसाया तो पानी से अन्न उत्पन्न हुआ और अन्न से सब भूत प्राणी उत्पन्न हो गए। तो अंतिम कार्य सब भूत प्राणी रहे। अब ये जब लय होंगे उल्टे विपरीत क्रम से तो सभी भूत प्राणी जल में मग्न हो जाएंगे, पृथ्वी में मग्न होंगे, फिर पृथ्वी जल में परंपरा से ये सब ब्रह्म में ही पहुंच जाएंगे। वहीं से उत्पत्ति हुई है ना, ब्रह्म वेद में मिल जाएगा, वेद अक्षर परमात्मा में मिल जाएगा। तो वो ब्रह्म इस प्रकार से सब में व्यापक चला आया है। तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म, इसलिए ब्रह्म सब में व्यापक है। तस्मात् सर्वगतम ब्रह्मो नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम, और यज्ञ में नित्य ही स्थित है। क्योंकि जितने भी शुभ कर्म है ना, वो सब यज्ञ नाम से कहे जाते हैं। चौथे अध्याय में अनेक यज्ञों का वर्णन है। तो जितने भी सत्कर्म है, शुभ कर्म है, पुण्य कर्म है, उनको सब और ब्रह्म प्राप्ति के साधन है अंतःकरण की शुद्धि द्वारा, उनको सबको यज्ञ नाम से कहा गया। अपने अपने वर्ण आश्रम पद अधिकार के अनुसार जितने कर्म हैं वो सभी यज्ञ नाम से कहे जाते हैं। सब वेद भेद कर्म है। इसलिए यज्ञ दान तपह कर्मो न त्याज्यम, कार्यमेव तत्। यज्ञ दान तप रूपी कर्म कदापि त्याग नहीं करना चाहिए। क्यों? भगवान कृष्ण कहते हैं अनेक अनेक जन्मों के पापों को ये नाश करके और मनुष्य को पवित्र करते हैं। पुण्येन पापम अपनुदति, पुण्य से पाप दूर होता है। तो ये सब धर्म, यज्ञ दान तप, ये सब कर्म पुण्य कर्म हैं। इनसे अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, अंतःकरण शुद्ध होता है। फिर शुद्ध अंतःकरण में भगवान की भक्ति होती है। भगवान की भक्ति से फिर भगवान का ज्ञान होता है और उस ज्ञान से अज्ञान का नाश होता है। तो जीव अपने स्वरूप ब्रह्म में फिर स्थित हो जाता है। ये परंपरा से तो ये वेद का पहला कांड है। अब कितना विस्तृत अर्थ है विचार करने पर पता लगता है, है? कर्म क्या है, कहाँ से चला आ रहा है ये कर्म? भगवान से चला आ रहा है। क्योंकि अब अन्न नहीं होगा तो ये देह इंद्रिय मन बुद्धि प्राण सब भूत प्राणी नहीं, तो इन कर्मों को करेगा कौन? तो उन कर्मों को करने वाले तो ये सब मनुष्य ही है ना। इस प्रकार विचार किया जाए तो चराचर जगत ब्रह्म रूप है, क्योंकि कारण ब्रह्म है ना और कार्य ये सब जगत हो गया। तो जितना भी कार्य होता है अपने कारण से जुदा नहीं हुआ करता है, किंतु कारण रूप ही परंपरा से फिर ब्रह्म में मिल जाएगा। जैसे माटी से घटमट उत्पन्न होते हैं तो माटी से वो जुदा नहीं है,
अरे फिर माटी में मिल जाएंगे, और नहीं भी मिले तो विचार करके देखो तो घटमट माटी रूप ही है। कोई डंडे से फोड़ करके मकान को गिरा करके ही माटी जाना जाए ये तो जरूरी नहीं है, बिना फोड़े बिना गिराए भी जाना जा सकता है कि भाई माटी से जब पैदा भए हैं बने हैं तो माटी से जुदा नहीं है। जल से तरंगें उत्पन्न भई हैं तो जल से जुदा नहीं है। ऐसे ही जो भगवान से ये चराचर जगत सर्वभूत उत्पन्न भए हैं तो भगवान से जुदा नहीं है। मयि अखंड सुखाम्भोधौ बहुधा विश्वबीचयः उत्पद्यन्ते विलीयन्ते माया मारुत विभ्रमात्। अर्जुन मुझ अनंत आनंद सागर से ये चराचर जगत की उत्पत्ति होती है। मयि अखंड सुखाम्भोधौ किस प्रकार उत्पन्न होती है, कहा माया मारुत विभ्रमात मयि अखंड सुखाम्भोधौ बहुधा विश्व बीचयः। अनंत कोटि ब्रह्मांड ब्रह्मा विष्णु महेश ये सब जो है बीचियां हैं, माने लहरें हैं तरंगें हैं, पर ये शांत महासागर आनंद सागर में सुख सागर में ये लहरें उठी कैसी, जैसे शांत महासागर में हवा चले तो लहरें उठने लगती हैं, ऐसे ही माया रूपी पवन से या मन रूपी पवन से और ये जगत रूपी तरंगें उत्पन्न हो गई है। इसलिए जल ही सत्य है, ये तो हवा निमित्त से लहरें उठी है ना, माया कहो मन कहो, चराचरम भाति मनोविलासम ऐसा भी कहा जाता है कि चराचर जगत मन से उत्पन्न हुआ है, और माया का कार्य होने से मन भी माया ही है। मन माया और प्रकृति और जगत चार नाम एक रूप, तब लगिए सांचे लगे नहीं जाने ने जरूर, कार्य कारण भेद से ये चारों के चारों ये सब माया रूप ही है। तो जो पवन के मन के निमित्त से केवल ये तो पवन है हवा है चल गई और फिर हवा बंद हो गई तो लहरें खत्म हो गई, ये मन रूपी पवन भी माया रूपी पवन भी सत्य नहीं, चलने आ गई कहीं लहरें उठ गई, इसलिए लहरें भी सत्य नहीं जल ही सत्य है। तो मैं आनंद सिंधु ही सत्य हूँ अर्जुन, न मन माया ये सत्य है कोई, और न इन्होंने जो मुझ में लहरें दिखा दिया है ये कोई सत्य है, किंतु मैं आनंद सिंधु ही सत्य हूँ। परंतु अर्जुन ये लहरें भी मुझे आनंद सिंधु से उत्पन्न हुए इसलिए मुझ में ही मिलती हैं, ये लहरें भी मुझसे जुदा नहीं है। आनंद सिंधु मध्य तो वासा और बिन जाने कत मरत पियासा, सभी लहरों का वास कहाँ है आनंद सिंधु में, ये सब जीव और जगत कहाँ है वो आनंद सिंधु में ही है, इसलिए आनंद सिंधु से जुदा नहीं है। लहरें लय हों चाहे मत हों, लहरों को तरंगों को लहरें रहते हुए भी जल रूप जाना जा सकता है विचार करके, लय होने पर तो जल हाइये हैं वो, और जल का और तरंग का कभी वियोग भी नहीं होता, एक सेकंड के लिए भी वियोग नहीं होता, ना तो जन्म में वियोग होता है और न जीवन में भी योग होता है और न मरण में भी योग होता है,
वियोग होता ही नहीं, क्योंकि जन्म हुआ है तो कहाँ, जल में ही, जल साथ है तरंग के, तरंग का जन्म कहाँ हुआ, जल में, तो जल तो साथ है ना, अलगाव तो नहीं हुआ जल का और तरंग का। और जितने देर जीवन है तरंग का जल में चल रही है उतना ही जीवन है थोड़ा सा, तो जल तो साथ है ना, तब भी पूरे जीवन में, और जब लय होगी तब भी तो जल साथ है ना, तो कहो जल का वियोग तरंग से हुआ ही कब। तो भी यदि कोई तरंग ऐसा रटे कि मेरा जल से वियोग हो गया है, मुझे कोई जल के दर्शन कराओ, तो दृष्टांत देते हैं कि जल ही माही तरंग एक रटे प्यास प्यास, जिसकी जल से उत्पत्ति है, जल में स्थिति है, जल में लय है, एक सेकंड का वियोग नहीं हुआ है, ऐसी तरंग जल के जाने बिना कहती मुझे जल की प्यास है, मुझे कोई जल का दर्शन कराओ, मुझे कोई जल का दर्शन कराओ। किसी महापुरुष ने यह आवाज सुन करके खड़े होकर के तरंग से पूछा, कह तरंग तुझे जल की प्यास है? कहा हाँ, जल के दर्शन करना है। बोले हाँ। कहा बड़ी कृपा होगी, आप जल का दर्शन करा दो। तो महापुरुष ने कहा, तत्त्वमसि, जिसकी तुझे प्यास है वही तेरा स्वरूप है, तू अपने भीतर देख तो सही, वो तू ही है। अरे अपने से अलग जल कहाँ ढूंढ रही है, जब तू ही जल है तो तुझसे भिन्न जल कहाँ मिलेगा। जब उसने अपने भीतर देखा तो भीतर बाहर दाएं बाएं ऊपर नीचे जल ही जल पाया, तरंग नाम की कोई चीज मिली नहीं, सब जल ही जल निकला। तब महापुरुष ने कहा, कहे तरंग तुझे जल का दर्शन हुआ? तो मुस्करा कर कहती है कि प्रभु तुम्हारी कृपा से मैंने जाना, नाहम तरंगा सलिल महम, मैं तरंग नहीं हूँ, मैं जल ही हूँ, क्योंकि मैंने खूब खोज के देखा अपने भीतर, जल के सिवाय तरंग नाम की कोई वस्तु नहीं पाई, पूरा का पूरा जल ही मिला। ऐसे ही ये जीव का है, अज्ञानी जीव अपने आनंद सिंधु भगवान को नहीं जानता है तो कहता है अखियां हरि दर्शन की प्यासी, मुझे कोई भगवान का दर्शन कराओ, भगवान का दर्शन कराओ, मेरा और भगवान का वियोग हो गया है, तो सिवाय अज्ञान के और क्या कहा जाए। अरे जिस आनंद सिंधु की तू लहर है, तरंग है, उससे तेरा वियोग हुआ ही कहाँ है। सोता है तो ही ताई नहीं देदा, बारी बीच इवो गाँव ही देदा। तो जब कोई महापुरुष इसको मिल जाता है, जब ये व्याकुल होकर के ऐसा ही पुकारता फिरता है, तो महापुरुष मिल जाते हैं कि अरे जीव, जिस आनंद सिंधु भगवान के तू दर्शन करना चाहता है, तत्त्वमसि, वही तू है, तू अपने भीतर देख तो सही, सच्चित आनंद के सिवाय तेरा स्वरूप है ही क्या। बारी बीच ही वही दृष्टांत दिया, बारी जल और बीची तरंग लहर, उस दृष्टांत के अनुसार बोले तू अपने को मिला तो सही, वह ब्रह्म तू ही है, उसकी एक तू लहर है, सारा जीव जगत उस आनंद सिंधु की तरंग में है, तो तेरा और ब्रह्म का वियोग हुआ ही कब है, जो योग किया जाए।
तरंग कौन सा योग करे जो जल को पावे। तो योग तो हो, योग कहते हैं मिलने को, जल को पाने के लिए मिलना। तो वियोग हो तभी मिलना बनता है, योग बनता है। और जब वियोग ही ना होवे तो, वियोग की अज्ञानता ही केवल होवे तो अज्ञानता ही मिटाना है ना। तो जीव और ब्रह्म का वियोग तो हुआ नहीं है, क्योंकि ब्रह्म आनंद सिंधु है और जीव सब तरंगे हैं, तो वियोग हुआ ही नहीं है। तो कौन सा योग करे, अष्टांग योग करे कि मंत्र योग करे कि लय योग करे कि कर्म योग करे कि भक्ति योग करे। भक्ति योग भी विभक्ति होती है, अलगाव होता है, तब मिलाया जाता है। सज्जनों, केवल भ्रम ही वियोग का हुआ है। इसलिए भ्रम होता है अज्ञान से। इसलिए वेद शास्त्र और विद्वान इस अज्ञान की निवृत्ति ही बताते हैं। तो अज्ञान की निवृत्ति के ही कर्म उपासना ज्ञान वेद के साधन हैं, कोई ब्रह्म प्राप्ति के साधन नहीं है। क्योंकि ब्रह्म तो अपना स्वरूप है, खाली अज्ञान को निवारण करने के लिए ही कर्माण चित्त शुद्ध्यर्थम एकाग्र्यर्थम उपासना और मोक्षार्थम ब्रह्म विज्ञानम सर्व वेदांत निर्णय। धर्म ते विरत योग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। यह ज्ञान ही तीन भागों में विभक्त होकर के जीव के हृदय में बैठा है। मल विक्षेप आवरणी तीन भागों में विभक्त हुआ ज्ञान बैठा हुआ, इसी के नाश के लिए ये वेद का उपदेश है। मल दोष निष्काम कर्म से हट जाता है, चित्त की चंचलता का दोष भक्ति से हट जाता है, और अज्ञान आवरण अज्ञान से हट जाता है। फिर तो शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म अपना ही स्वरूप रह गया। खाली अज्ञाने की निवृत्ति भाई, तो ये अज्ञान निवृत्ति के ही साधन है सब, ब्रह्म प्राप्ति के नहीं। क्योंकि ब्रह्म अप्राप्त हो वियोग हो तो प्राप्त किया जाए, ये तो नित्य प्राप्त है, क्योंकि ब्रह्म का स्वरूप ही है जीव। तो सज्जनों, ये गीता उपनिषद ये सब जो कर्म योग बताया जा रहा है, ये अंतःकरण की शुद्धि के द्वारा आगे भक्ति में पहुंचाता है, और भक्ति ज्ञान में पहुंचाती, ज्ञान अज्ञान का नाश करके अपने सच्चिदानंद ब्रह्म स्वरूप का अनुभव कराता है। तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठ। तुम अपने कारण ब्रह्म स्वरूप को पहचानो, जो सब में व्यापक है, और फिर सब लय होकर ब्रह्म में ही पहुंच जाएंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड आयुष राजा विराज गिरिराज परम ब्रह्म संतान भगवान।